अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारे कोर्स में दो एप्लीकेशंस दी हुई हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पहले पढ़ा, ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो हमारे पास इसकी जो दो एप्लीकेशन है उनमें से पहली है ज़ीरोग्राफी, जिसको हम फोटोकॉपियर का नाम भी देते हैं। फोटोकॉपी हम अक्सर करवाते हैं। हम क्या देखते हैं, बड़ी सी मशीन होती है जिसमें जो पेज हमने फोटोकॉपी करवाना होता है उसे उल्टा करके रखा जाता है और उसके नीचे से एक लाइट गुजरती है और उसके बाद साइड से एक ब्लैंक पेज इंसर्ट किया जाता है जो कि फोटोकॉपी होके बाहर आ जाता है। अब उस सब के पीछे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है उसको अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। द वर्ड ज़ीरोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ज़ीरोस एंड ग्राफोस मीनिंग ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक ख़ास किस्म की इंक इस्तेमाल होती है जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होती है, ड्राई फॉर्म में होती है, इसलिए ज़ीरोग्राफी को ड्राई राइटिंग भी कहा जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं इसका क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस किया कि ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो ही इसके वर्किंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम फोटोकॉपियर मशीन की। जो सबसे मेन पार्ट है हमारी मशीन में वो है ड्रम, जिसको हार्ट ऑफ द मशीन भी कहा जाता है। ये बेसिकली एलुमिनियम का बना हुआ ड्रम होता है जिसके साइडों पे सिलीनियम की कोटिंग हुई हुई होती है। एलुमिनियम कौन सा मटेरियल है, मेटल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, और सिलीनियम फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर वो मटीरियल होता है जो सिर्फ तब कंडक्ट करता है जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है। इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट वो कंडक्टर की तरह काम करता है और इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैम्प। लैम्प का क्या काम है, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड्स इनफ लाइट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो कंडक्टिव एटम्स। लाइट हमारे पास ज़रूरी होती है ताकि वो हमारे पेपर का इमेज ड्रम पे बनाए और फिर ड्रम पे जहाँ जहाँ लाइट फॉल करे वहाँ वहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। उसके बाद अगला पार्ट है हमारे पास लेंस। लेंस का क्या काम है, लेंस हमारे पास इस्तेमाल होता है इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए या फिर उसके साइज़ को स्मॉल करने के लिए। अगला है हमारे पास पार्ट टोनर। टोनर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ड्राई इंक जो हम फोटोकॉपियर मशीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसको ड्राई राइटिंग भी कहा जाता है। अगला पार्ट है हमारे पास हीटिंग रोलर्स। हीटिंग रोलर्स क्या करते हैं, टोनर को मेल्ट भी करते हैं और ड्राई भी करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब फोटोकॉपियर में से पेपर बाहर आता है तो वो हीट अप हुआ हुआ होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो प्रेशर रोलर में से गुजर के आता है। अब हम देखते हैं वर्किंग को फोटोकॉपियर। ये हमारे पास इस वक्त स्कीमेटिक डायग्राम शो हो रही है। सबसे पहले हमने जो डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करना है उसको हमने ऊपर फेस डाउन करके रख दिया। अब क्या होता है, लैंप से लाइट निकलती है, पेपर पे फॉल करती है और वो लाइट फिर लेंस से गुजर के ड्रम पे पड़ती है और पेपर का इमेज ड्रम पे बनाती है। अब हमने पढ़ा था कि ड्रम जो है वो सिलीनियम कोटेड है जो कि एक फोटो कंडक्टिंग मटीरियल है। अब ड्रम पे जब रिफ्लेक्शन पड़ेगा डॉक्यूमेंट का तो वो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इन टर्म्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट। जहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं वो हिस्सा हमें डार्क नज़र आएगा, जो ब्लैंक पार्ट ऑफ पेपर होगा वो हमें ब्राइट नज़र आएगा। ब्राइट पार्ट पे लाइट फॉल करेगी और वो पार्ट हमारे पास कंडक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने पढ़ा था सेलेनियम फोटो कंडक्टर है तो जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगी ब्लैंक स्पॉट ऑफ पेज को रिप्रेजेंट करेगी और वहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जो नीचे एलुमिनियम का मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन सेलेनियम के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे।
अब ड्रम के वो हिस्से जिनके ऊपर लाइट नहीं फॉल की थी, जो कि हमारे डार्क स्पॉट ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेगा। तो क्या होगा, हमें एक इमेज मिलेगा ड्रम के ऊपर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इमेज बच गया। अब जो हमारा टोनर है, हमारी ड्राई इंक इन पाउडर्ड फॉर्म, उसको हम प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज इंक स्टिक कर जाती है पॉजिटिवली चार्ज इमेज से। उसके बाद साइड से पेपर इंसर्ट किया जाता है और उसे वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। जब ड्रम रोल करता हुआ पेपर के ऊपर से गुजरता है तो वो अपना टोनर पेपर पे ट्रांसफ़र कर देता है और उसके बाद पेपर हीटेड प्रेशर रोलर में से गुजारा जाता है, जो कि ड्राई इंक को मेल्ट करते हैं और ड्राई भी करते हैं। इस तरह हमारे पेपर पे परमानेंट इम्प्रेशन बन जाता है डॉक्यूमेंट का। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म फोटोकॉपियर मशीन का। इसको की पॉइंट की फॉर्म में आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे।